हाय मैस्कॉट्स, हाउ आर यू डूइंग। आज का वीडियो जो है उसका टाइटल बड़ा मजेदार है। उसका नाम है स्टॉप वेस्टिंग टाइम, स्टॉप लेजीनेस। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बेड से उठा नहीं जाता, सोते रहते हो, है ना? बहुत कॉमन है, बस पड़े हुए ऐसे ही फ्री में। जिंदगी कटी जा रही है, मॉम डैड कमा रहे हैं पैसे, खाना खुना दे रहे हैं, कोई यू नो देयर इज नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस चल रहे हैं, चलो चलने दो। स्कूल जाते हैं, मजे मार के वापस आ जाते हैं, उठा ही नहीं जाता सुबह। रोज़ अलार्म लगाते हैं 4 बजे का, फिर भी 6 बजे बड़ी मुश्किल से उठते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, वापस आते हैं, फिर दोबारा सो जाते हैं, और फिर रात को भी ठंड हो जाती है, फिर नींद आ जाती है। बस ऐसे ही चल रहे हैं। कभी सोचा है कि कितना स्ट्रगल कर रहे हैं मॉम डैड? कभी सोचा है कि आगे चल के क्या करोगे? कभी सोचा है कि अगर कोई फैक्ट्री वैक्ट्री तो पीछे है नहीं, देयर इज नोबडी टू यू नो, ऐसे मल्टी मिलियनेयर तो है नहीं कि इधर पढ़ लेंगे उधर पढ़ लेंगे, क्या करोगे? डोंट दिस थॉट स्केयर यू? डजंट दैट थॉट कम इन योर माइंड दैट आई हैव टू गो एंड डू समथिंग? कितनी मूवीज देखी है बड़े बड़े लोगों पर यार, एथलीट्स पे मूवीज देखी हैं, यू सीन मूवीज ऑन इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े सीईओज, कभी बुक्स पढ़ी है? सोचा है हाउ डू दे लिव देयर लाइफ इन लेजीनेस? 4 साल के बाद एक ओलंपिक होता है, हाउ मच डू दीज पीपल स्ट्रगल, वॉट डू दे डू? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट, और यू दैट थॉट ऑल्सो डजेंट क्रॉस योर माइंड? ठीक है, चल रहा है, 10th में नंबर नहीं आए, खूब बहाने मारे, चलो कुछ नहीं होता, 11th में करके दिखाएंगे, 11th भी खत्म हो गई, अभी तो 12th में आ गए, बस अब तो नीट में करके दिखाएंगे। दो साल का सिलेबस मैं अभी 6 मंथ्स में करने वाला हूँ, दिसंबर में देखना पड़ा मुझे, न्यू ईयर से वो टाइम नहीं आएगा। Just take one day, one minute, one moment at a time and reclaim. आपकी लाइफ यूं ही निकल जाएगी, इट इज योर टाइम। एंड एनीबडी हु डजंट रिस्पेक्ट देयर ओन टाइम, डजंट रिस्पेक्ट यू नो देयर ओन लाइफ, कि मैंने ये करना है, नोबडी इज गोइंग टू सर्व थिंग्स टू यू ऑन अ प्लेटर, ऐसे कोई लाकर देगा नहीं। देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड, इट इज अ सुपर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। मॉम डैड बोल बोल के थक गए, टीचर पढ़ा पढ़ा के थक गए, फिर भी हम पर फर्क नहीं पड़ा, वी जस्ट डोंट केयर, हम तो जैसे थे वैसे ही है। और बड़ा फिर मतलब फक्र झाड़ते हो, अरे हम तो बड़े रिलैक्स्ड होकर रह रहे हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस लाइफ भी ऐसे ही निकल जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा और आप बैठे रहना। इफ दिस हार्ड हिटिंग टॉक ऑल्सो डजेंट हिट यू एंड यू डोंट चेंज फ्रॉम टुमारो, देन नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा। जैसे 9th 10th निकली, 11th 12th निकली है, बस वैसे ही लाइफ भी कट जाएगी। देर इज नो मैजिकल फॉर्मूला टू क्योर लेजीनेस, है ही नहीं। देर इज नो रामबाण, देर इज नो जादू की पुड़िया, देर इज नो लोशन पोशन विच कैन बी गिवन, इट नीड्स टू कम फ्रॉम विद इन, एंड इफ इट डजेंट कम फ्रॉम विद इन यू विल नॉट चेंज। इतना ही कहना था, होप यू विल चेंज।